न्यू ब्लॉग सगळे माणसा कसं बरं का ऐसे बोलूंगा सगळे माणसा बरं का। आज माझा फर्स्ट ब्लॉग आहे और मी तुम्हाला शेतामध्ये आलो होता और शेतातला सगळे माणसा कामाला आले होते और शेत मालिक आहे आपण बात करेंगे उनसे। शेत मालिक चा नाम का है आता तुमचा नाम का है हमारे नाम 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 तो हमारे को पहचान नहीं क्या माला पहचान है मतलब आपने तुम करो उसका मांस बोलो 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 हाँ तुमचा नाम का है नाम नाम पांडुरंग जाधव बोले हाँ पांडुरंग जाधव आता तुम का कर लालो इतने सगळे माणसं घेऊन ये हल्दी निकाल रहे हल्दी हलद काढला माणसं बाया 10 बाया हेता मजुराच्या ओ हमारे औरत को 400 रुपये हाजरी देत आहे ओ औरत को 400 तो गाइस आप देख सकते हो मला मराठी थोडी थोडी येते आहे आता जास्त येत नाही मग सगळ्या माणसाचा माझे लय प्यार प्रेम आहे और तो दोस्तों आज का ब्लॉग कैसा लगा है थोड़ा सा फनी मतलब मराठी येत नहीं जास्त मग सगळे मतलब जास्त मराठी येत नहीं कसं बोलू मैं हाँ बरे बरे प्रयास करतो मैं मराठी शिकतो मग मराठी लोग जुड़ेंगे तो सकते हो आता मैं शेता मध्ये आलो कसे काम कर रहे हैं सगळे माणसा चांगले काम नहीं बहुत हार्ड काम कर लाले नहीं भारी काम है। हाँ तो ये आई है जो अभी हमने आपको दादाजी से बात कराई थी उनकी जो ये हम इनको आई बोलते हैं आई बोले तो माँ बोलता हूँ मैं इनको और उनको दादाजी बोलता हूँ। तो दोस्तों बहुत बढ़िया लगता है सारे लोग मुझे बहुत प्यार से बुलाते हैं और बहुत सब प्यार से रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे सभी प्यार से रहते तो कितना बढ़िया लगता है। और कहते हैं कि भाई वो आवाज़ भी लगाते हैं कैसा है बेटा तू ठीक है मतलब बात करते रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे समय निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है जहाँ मैं रहता हूँ मुझे वैसे ही लोग और वैसे ही जो वातावरण मिल जाता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। वाकई आज मैं मेरी आपके साथ मन की बात शेयर करी हूँ। तो दोस्तों बस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलता है अगले ब्लॉग में।